भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने गुनाह की ओर इशारा कर रहे हैं। इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, ये वो इंटरव्यू है जो इन्होंने इंडिया टीवी को दिया और इसमें वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक महिला पहलवान की उसके पिता से फोन पर बात करवाने के लिए मैंने अपने पास बुलाया। बात होने के बाद उसे मैंने गले लगा लिया। जब वो इससे असहज हुई तो मैंने पूछा कि क्या मैं गले नहीं लगा सकता एक पिता की तरह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो जो महिला पहलवान है वो 2 या 3 साल की बच्ची तो नहीं है? और 2 या 3 साल की बच्ची को भी आप उसके मां बाप की इजाजत के बगैर इस तरह से गले नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी औरत को, जब आप किसी लड़की को छूते हैं ना, तो वो आपकी नियत और वो आपकी मंशा समझ जाती है। बात सिर्फ औरत की नहीं है, जब आप किसी बच्चे को, किसी पुरुष को भी छुएंगे तो वो आपकी नियत को समझ जाएगा। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। तो बड़ा प्रश्न ये कि बृजभूषण शरण सिंह बगैर उस महिला पहलवान के इजाजत के उसे गले लगा लेते हैं और वो असहज होती है। उनके अपने शब्दों में इसका अर्थ क्या हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह इस बात को कबूल रहे हैं जो आरोप महिला पहलवान उन पर लगा रही हैं। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू में उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे गए थे। हालांकि मुझे बहुत हैरत हुई कि गोदी न्यूज चैनल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से इतने कठिन सवाल कैसे पूछ सकता है। नतीजा यह हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरव्यू छोड़ दिया और इंडिया टीवी को बाहर का रास्ता दिखला दिया। वो क्लिप आप देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आप हटाइए अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, रुक जाओ यार, बंद कर जाइए। है इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या कोर्ट करते हैं। जाइए जाइए, दुकान हटाइए। अब आप कहेंगे ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, इंडिया टीवी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना रहा? जाहिर सी बात है, इसकी इजाजत उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेनी पड़ेगी। मगर आप कहेंगे कि भाई इंडिया टीवी ने ऐसा इंटरव्यू किया भी कैसे? वैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम के एंकर थे उन्होंने सही सवाल पूछे। कायदे से अगर मीडिया इस तरह के सवाल ताकतवर लोगों से पूछे, सत्ता में बैठे हुक्मरानों से पूछे, तो गोदी मीडिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया टीवी एक भाजपा सांसद से ऐसे मुश्किल सवाल क्यों कर रहा है? तो याद कीजिए, बृजभूषण शरण सिंह ने इस शख्स रामदेव के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, किस किस तरह से उनकी आलोचना नहीं की थी। अब इस खबर पर निगाह डालिए, रामदेव और इंडिया टीवी के जो संपादक है रजत शर्मा, उनके बीच में बिजनेस ताल्लुकात हैं, यह खबर उस बात की तस्दीक कर रही है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, और यह महज सवाल है, आरोप नहीं है। क्या यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह से कठिन सवाल किए जा रहे थे? मगर मुद्दा इंडिया टीवी का नहीं है, मुद्दा यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा प्राइम टाइम में आकर कबूल किया कि उसने एक महिला पहलवान की इजाजत के बगैर उसे गले लगाया और उससे वो असहज महसूस कर रही थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह की इस शर्मनाक हरकत को भी भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो जायज ठहरा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी जो कि सांसद हैं शिवसेना की, उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में उनका बयान है, हिंदी में बाद में अनुवाद करूंगा। वो कहती हैं, सिक एंड डिस्गस्टिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पावरफुल पोजिशन ही इज इन टू एक्सप्लॉइट अ रेसलर हु केम टू सीक हिज हेल्प। No, you don't give any woman a hug without her consent and then justify it as a fatherly hug. Shame on BJP for continuing to defend this person. Bigger shame that the WCD minister is still shamelessly silent.
यहां प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं? प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि स्मृति ईरानी अब भी इस मुद्दे पर खामोश हैं और यह शर्मनाक है। आगे वो ये भी कहती हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है, आप बगैर इजाजत के किसी महिला को छू नहीं सकते, और बाद में आप यह नहीं कह सकते कि साहब मैं तो एक पिता की तरह उसे गले लगा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर उस लड़की को अच्छा नहीं लगा तो आप पिता की तरह गले नहीं लगा रहे थे, आपकी नियत में कई सवाल खड़े किए हुए हैं। मगर आप जानते हैं सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या है, भाजपा के जो अंधभक्त है ना, वो इस पर भी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। मसलन ये इनकी आईटी सेल की कोई वीरांगना है, वो प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से इन महिलाओं को गले लगा रहे हैं इस पर भी तो कुछ कहिए। चार तस्वीरें दोस्तों, एक एक करके हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, लाल साड़ी पहनी ये बुजुर्ग महिला जिसे राहुल गांधी ने गले लगाया है, आप उस बुजुर्ग महिला की आंखों की खुशी देख सकते हैं, वो खुद राहुल को गले लगा रही है। इन अंधभक्तों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि इसमें भी उन्हें अश्लीलता दिखाई दे रही है। आगे दोस्तों, एक और बुजुर्ग महिला को राहुल गांधी गले लगा रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या राहुल गांधी यहां जबरदस्ती कर रहे हैं और भक्तों को, भाजपा की आईटी सेल को इसमें भी अश्लीलता दिखाई दे रही है? फिर देखिए साहब, यहां पर इस लड़की को, इस छोटी लड़की को राहुल गांधी सिर पर हाथ रख रहे हैं, उस लड़की ने राहुल की कमर पकड़ी हुई है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर भी राहुल की ज्यादती दिखाई दे रही है? भाजपा की आईटी सेल को इसमें भी अश्लीलता दिखाई देती है। अब आप समझे कि ये लोग बृजभूषण शरण सिंह को जायज क्यों ठहरा रहे हैं। आखिरी तस्वीर, यहां पर एक और बुजुर्ग महिला जो चश्मा पहनी हुई है वो राहुल गांधी को गले लगा रही हैं, वो पूरी तरह से इमोशनल हैं, शायद रो भी रही हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो चार तस्वीरें मैंने अभी अभी आपको दिखाई, क्या इन तस्वीरों में कहीं पर भी आपको अश्लीलता दिखाई देती है? और भाजपा का प्रचार तंत्र इन तस्वीरों की तुलना बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान से कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने एक महिला पहलवान की इजाजत के बगैर उसे गले लगा लिया और वो असहज हो गई थी, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि भाई मैं तो तुम्हें पिता की तरह गले लगा रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए संस्कारी आईटी सेल को। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए, ये कोई जनार्दन मिश्र हैं, यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से मिल रही हैं, विनेश इसमें रो रही हैं, और यहां पर ये जिक्र मियां खलीफा का कर रहा है। बात वहां नहीं रुकती, इस व्यक्ति ने तो, आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं खिलाड़ियों से, इसने पीछे तस्वीर को फोटोशॉप करके मियां खलीफा की तस्वीर लगा दी है। इनके दिमाग को देखिए दोस्त, ये अश्लीलता पनपती है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। आज आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किसी पार्टी का समर्थक बनना है या इस तरह से अश्लील अंधभक्त, जिसकी मिसाल मैं आपको लगातार दे रहा हूं। बहरहाल, हम बात कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह की, बृजभूषण शरण सिंह भी खेल समझ गया है। उनका यह बयान देखिए दोस्तों, यहां वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर साथ ही बहुत चालाकी से वो टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द को जोड़ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए, अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा देने को कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर इस मामले में टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग, किसान आंदोलन से जुड़े लोग जो हैं वो आ गए हैं, मैं उनका टारगेट नहीं हूं, बीजेपी उनके निशाने पर है, इन खिलाड़ियों को पैसे दिए गए हैं। इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को बदनाम कर रहे हैं। और बात वहां तक नहीं रुकती, इस बयान को देखिए, यहां बृजभूषण शरण सिंह यह कह रहे हैं कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो जितने लोग जंतर मंतर पर इस वक्त हैं खिलाड़ियों के समर्थन में, उससे कई गुना ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मैं मानता हूं कि इस वक्त आपके दिमाग में कर्नाटक का चुनाव है, यह व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा है,
उन्होंने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि एक खिलाड़ी को जब मैंने गले लगाया था तो वो असहज हो गई थी, जबरदस्ती, बगैर उसकी इजाजत के। और बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिए बहुत पहले एक लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया था ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जिसमें इस व्यक्ति ने साफ तौर पर कबूल किया था कि मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। यह शायद अपने आप में पहली मिसाल होगी जब एक सांसद खुलेआम कैमरे के सामने इस बात को कबूल रहा है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की थी। अब वो कैमरे के सामने इस बात को भी कबूल रहा है कि मैंने एक महिला पहलवान को जबरदस्ती गले लगा था। प्रधानमंत्री तब भी खामोश हैं, मगर प्रधानमंत्री की खामोशी का क्या कहिएगा, उनका काम तो उनका संस्कारी आईटी सेल कर रहा है ना, हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ अश्लील प्रोपेगेंडा चला के, उन्हें टारगेट करके। फिर देखिए दोस्तों किस तरह से जायज ठहराया गया ब्रजभूषण शरण सिंह की हरकत को। राहुल गांधी की इन चार तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी भी तो महिलाओं से गले लग रहे हैं, अगर तुम्हें इस तस्वीर में अश्लीलता दिखाई देती है तो जल्द दिमाग का इलाज करने की जरूरत है। दोस्तों मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी का नहीं है। आपके स्क्रीन पर देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विनेश फोगाट ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। विनेश फोगाट का इस खबर के मुताबिक यह कहना है कि अनुराग ठाकुर ने एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के गठन का मकसद यह था कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उस सब पर पर्दा डाला जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर थी जिस पर मैंने इसी मंच पर खबर की थी, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट ने, जिनका नाम मिस्टर मलिक था, मिस्टर मलिक ने बाकायदा निगरानी समिति के सामने बयान दिया था कि किस तरह से नाबालिग खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा था। उन्होंने महिला कोच से भी इसकी शिकायत की थी, मगर निगरानी कमेटी के सामने बयान देने के बावजूद रिपोर्ट में उसका कहीं जिक्र नहीं था। अब विनेश फोगाट सीधे तौर पर देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर आरोप लगा रही हैं और इस आरोप में उनका कहना है कि कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि असली मामले को दबाया जा सके। मगर मुझे विनेश फोगाट की बात पर बहुत हंसी आ रही है। विनेश जी, आपको अनुराग ठाकुर से उम्मीद थी? ये वो महाशय हैं जो दिल्ली के चुनावों से पहले खुलेआम भड़काऊ नारे लगाते हैं, याद है उनका वो लोकप्रिय नारा, देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके ठीक बाद शाहीन बाग और जामिया मिलिया के अंदर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये है इनका प्रभाव। क्या आप ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कर रहे थे? इनको तो इस भड़काऊ बयान के लिए इनामित किया था और उसके बाद उन्हें सूचना मंत्री बना दिया गया। आप ऐसे व्यक्ति से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि अनुराग ठाकुर इस देश के न सिर्फ खेल मंत्री हैं बल्कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी। एक तरफ प्रधानमंत्री खामोश हैं, खेल मंत्री मामले को दबा रहे हैं जैसा कि विनेश फोगाट आरोप लगा रही हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम अपने गुनाहों को कबूल रहा है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब एक सवाल दिल्ली पुलिस से, 2 FIR दर्ज की है आपने, जिसमें एक पॉक्सो से रिलेटेड है, यानी 18 साल से कम लड़कियों या किसी के साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है उसको लेकर FIR, और दूसरा अडल्ट्स वयस्कों को लेकर FIR। जो पॉक्सो को लेकर FIR होता है ना, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली पुलिस ने अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ नहीं की, कम से कम मुझे तो पता है यही। अगर मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है तो आप सुधार कीजिए। यह बताता है सरकार की नियत। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह वो व्यक्ति है जो खुलेआम धमकी देते हैं, खुलेआम। मोदी जी समझते हैं कि भाई अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई की गई तो चुनाव आएंगे और चुनावों में ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को।
अब जो प्रधानमंत्री 10 दिन तक कर्नाटक राज्य में डेरा जमा लेता है सिर्फ इसलिए कि उन्हें कर्नाटक का चुनाव जीतना है, आपको क्या लगता है वो एक राजनीतिक बाहुबली पर एक्शन लेंगे? प्रधानमंत्री ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के जहन में सिर्फ एक चीज है कि मुझे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मुझे अपनी महिला ओलंपियंस, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, आपके इन आंसुओं के कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। उल्टा चूंकि आपके साथ राकेश टिकैत जुड़े हैं, आपके मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा आई, अरविंद केजरीवाल आए, नवजोत सिंह सिद्धू आए, इन तमाम तस्वीरों के बाद अब आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाएगा, देशद्रोही बताया जाएगा, शाहीन बाग गैंग बताया जाएगा और न जाने क्या क्या। आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, आपकी लड़ाई उस दौर में है जहां जनता को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है उस जहरीला धतूरे को चटाने के बाद। जाहिर सी बात है ये जनता जो है, ये वोटर जो है, यहां से नहीं सोचता है, बिल्कुल नहीं सोचता है। उसे लगता है कि अगर खिलाड़ियों की आवाज में आवाज मिलाकर मैं अपनी बात रखूंगा तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कर्नाटक में कहा भी था ना कि प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र का अपमान है, या प्रधानमंत्री को गाली देना राष्ट्र का अपमान है। यह न्यू इंडिया दोस्तों, हकीकत यह है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।